हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केला के कुछ विकार रोग। तो विकार रोग, जैसे कि रोगों की बात की जाए तो रोग जो है तीन प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक बायोटिक होता है, एक मीजोबायोटिक होता है, एक अबायोटिक होता है। तीन टाइप्स के होते हैं। एक बायोटिक होता है आपका, एक मीजोबायोटिक होता है और एक अबायोटिक होता है। तो जितने भी विकार रोग होते हैं अबायोटिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अबायोटिक में होता क्या है, इसमें विकार रोग जितने भी फलों के हों या सब्जियों के हों, विकार रोग किसी ना किसी पोषक तत्व की कमी से होते हैं। तो जो विकार रोग होते हैं किसी ना किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से होते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, अबायोटिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अजैविक रोगों के अंतर्गत आते हैं। तो बात कर लेते हैं चोक थ्रोट की। तो चोक थ्रोट केले में किसके कारण होता है, लो टेम्परेचर के कारण होता है। किसके कारण होता है, लो टेम्परेचर के कारण होता है। सिम्टम्स क्या हैं, कैसे जाने कि इसमें चोक थ्रोट हुआ है। तो केले के पौधे में जो जो केले की घार होती है, जो केले की घार जो है आभासी तने को फाड़ कर लटक जाती है, इसका ये सिम्टम्स होता है। ठीक है, जिसको एक सहारे की ज़रूरत होती है चोक थ्रोट में। फिर उसके बाद बात करते हैं क्लोरोसिस की। क्लोरोसिस में क्या होता है, क्लोरोसिस में सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। सिम्टम्स में पत्तियों के जो किनारा होते हैं वो हल्के ब्राउन कलर के हो जाते हैं, ब्राउन कलर के। फिर यही धीरे धीरे काकत जब इनका प्रकोप बढ़ता जाता है तो एक बड़े स्पॉट के रूप में आ जाते हैं और पूरी पत्तियां धीरे धीरे से ब्राउन हो जाते हैं और सूख जाती हैं। किसके कारण होता है, पोटाश की कमी के कारण होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं बंच डिफॉर्मेशन। बंच डिफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। बंच बंच माने क्या होता है, गुच्छा। डिफॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब होता है निर्माण करना, डी मतलब नहीं, जिसमें कहने का मतलब कि गुच्छों का निर्माण नहीं होता है, यानी कि बिखरे हुए होते हैं। जैसे कि फिगर में आप देख रहे हैं गुच्छा जैसे होना चाहिए वैसे गठित नहीं है, बिखरे हुए हैं। इसमें जो फल हैं बिखरे हुए हैं, अलग अलग हैं। आप लोगों ने देखा होगा केले का गुच्छा जो है एकदम सुसंगठित होता है, कहने का मतलब कि एकदम अच्छे से देखने में अच्छा लगता है। लेकिन बंच डी फॉर्मेशन में क्या होता है, गुच्छा जो है बिखरा हुआ होता है। अच्छा, किसकी कमी से होता है, तो ये पोटाश की कमी से ये भी होता है। अगर पौधे में पोषक तत्व यानी आपके फार्म में जिसमें केला लगा है अगर उसमें पोटाश की कमी हो रही है, तो एक आपने पढ़ा है क्लोरोसिस, एक आपने पढ़ा है क्लोरोसिस जो पत्तियों में देखने को मिलता है, दूसरा ये बंच डिफॉर्मेशन, ये भी समस्या पाई जाती है पोटाश की कमी होने पर। फिर उसके बाद बात करते हैं नीरवजही, ये भी एक तरह का विकार रोग है केले का। ये किसके कारण होता है, ड्यू टू इम्बैलेंस हार्मोन्स यानी असंतुलित हार्मोन्स के कारण होता है, जिससे एक सेंसिटिव वैरायटी है संवेदनशील किस्म है नेंड्रेन। क्या होता है, इसमें लक्षण क्या होते हैं, जब नीरवजही जैसी समस्या आती है तो फल जब फटते हैं तो फलों के फटने से पानी जैसा तरल पदार्थ, नीर वजही जैसे कि नाम से ही जा ही रहे, नीर नीर माने पानी होता है, वजही माने केला। ठीक है, नीर माने पानी, वजही माने केला। ठीक है ना, कहने का तात्पर्य है जब केला फटता है तो उससे कैसा पदार्थ निकलता है, यानी पानी जैसा तरल पदार्थ निकलता है। ठीक है ना, इससे प्रभावित किस्म कौन सी है, नेंड्रेन है आपकी। अगर इससे संक्रमित पौधा है, नीर वजही से एक संक्रमित पौधा है, तो पौधों की वृद्धि भी रुक जाती है, वृद्धि कम हो जाती है, शूटिंग देरी में होती है, और जो गुच्छा होता है वो पतला होता है, उसमें जो छीमियाँ लगी होती हैं वो जो है अपरिपक्व दिखाई देती हैं, और संक्रमित पौधे की जो जड़ें होती हैं क्षति उनमें देखी जाती है। ठीक है, तो ये समस्याएं देखने को मिलती है, ऐसे आप पहचान सकते हैं नीरवजही को। फिर उसके बाद बात करते हैं आप कोटा वजही, ये भी एक केले का डिसऑर्डर है। ये किसके कारण होता है, इम्बैलेंस हार्मोन्स के कारण ये भी होता है, यानी असंतुलित हार्मोन्स के कारण होता है। इसके बाद इससे एक सेंसिटिव वैरायटी है पूवन। कौन सी वैरायटी है, सेंसिटिव वैरायटी है, इससे संवेदनशील किस्म है पूवन। फिर बात कर लेते हैं सिम्टम्स की। जैसे कि इस फिगर में देख रहे हैं बीज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, केला अपरिपक्व है और इसमें बड़े हुए बीजांड दिखाई दे रहे हैं। तो क्या होता है कोटा वजही में, कोटाई का मतलब होता है बीज, कोटाई का मतलब क्या होता है, बीज। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, इसके लक्षण को कैसे जानेंगे, जब केले को काटेंगे या छीलेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा कि बीजांड जो है
बढ़े हुए बीजाणु दिखाई देंगे और अपरिपक्व फल होंगे। जो फल होंगे अपरिपक्व होंगे, कच्चा होगा यानी मिच्योर भी नहीं होगा, अपरिपक्व फल में ही क्या कर बड़े हुए बीजाणु देखने को पाएंगे आप। तो इसके नियंत्रण के लिए क्या करेंगे, 240 जो है उसका 120 ppm का अगर स्प्रे किया जाए तो इससे नियंत्रण पाया जा सकता है। फिलहाल इसके इस रोग के बारे में अभी मुख्य रूप से कोई कारण नहीं मिला है, लेकिन जहाँ तक देखा जाए कि तो ये हार्मोन के असंतुलन होने के कारण ही पाया जाता है, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है, जैसा कि ठीक है कुछ वैज्ञानिक कहना है कि ये वायरस के द्वारा होता है, तो कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इम्बैलेंस हार्मोन्स के कारण होता है। ओके, फिर उसके बाद बात करते हैं चिलिंग इंजरी की। फिर उसके बाद बात करते हैं चिलिंग इंजरी की। चिलिंग इंजरी भी केले से रिलेटेड है, ठीक है। किसके कारण होता है, लो टेम्परेचर के कारण होता है। किसके कारण होता है, लो टेम्परेचर के कारण होता है। क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, इसमें जो है इसमें सिम्टम्स की बात करें तो जो केले का छिलका होता है जब उसको छीलते हैं तो बराबर छिलता नहीं है, यानी केला का जब छिलका छीलते हैं तो उसके ऊपर जब छिलका छीलते हैं तो उसमें जो उसका मांसल भाग होता है, मांसल भाग के ऊपर जो है ब्राउन कलर की धारियां देखने को मिलती हैं। कैसी धारियां देखने को मिलती हैं, ब्राउन कलर की धारियां देखने को मिलती है, जिससे हम पहचानते हैं कि इसमें चिलिंग इंजरी हुआ है। किसके कारण होता है, लो टेम्परेचर के कारण होता है। टेम्परेचर जब 10 से 15 सेल्सियस से कम होता है तभी ये समस्या देखने को मिलती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।